हमारा एक और जैकपॉट मुकाबला होने वाला है। आप सभी को पता है, जब भी फैंटेसी की फील्ड में बड़ी विनिंग की बात आती है, उसमें सागा फ्लैशबैक का नाम नंबर वन पे आता है। हमारे जो मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है जीतने का। वो भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहते हैं, वो केवल वीडियो पे डिपेंडेंट होकर के नहीं रहते हैं। उनको पता है कि हमारे पास टाइम कम है, लाइफ बहुत कम होती है, अपने को उसी छोटी लाइफ में कुछ कर गुजरना है। अगर आपको हमारी तरह करोड़ों रुपए विन करना है, तो आप सभी को पता है कि आप हमसे जुड़े बिना कभी भी विन नहीं कर सकते हो। ये हमारे मेंबर्स को ये बात पता थी। अभी फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच में। सेकेंड T20 मुकाबला होने वाला है। लास्ट मैच में भी आपने देखा था, जो इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन में काफ़ी अच्छी विनिंग हमने की थी। सबसे पहले उस विनिंग को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस मैच का प्रिडिक्शन दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात में फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली सागा फ्लैशबैक सर्च करोगे तो आपको पता है कि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल आपको मिलेंगे, तो आपको उनसे बच के रहना है। ये बच के रहने वाला काम आपको करना है, क्योंकि हमारे पास डेली कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने कम पैसे के चक्कर में इस बंदे को मैंने पैसा दिया और हमारे साथ उसने फ्रॉड कर दिया। तो फ्रॉड उसने नहीं किया, आपने उसको इनवाइट किया कि वो आपके साथ फ्रॉड कर सके। तो इसका बचने का काम आपको करना है। यहाँ पर अगर बात की जाए, हमने टोटल 40 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, 2999 वाले, 1799 वाले हमने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, जो कि ड्रीम 11 प्लस माई टीम 11 का मिला करके दिया गया था। यहाँ पे फिलहाल ये तो ड्रीम 11 का ही है, माई टीम 11 में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था इस मैच में, जो कि हमने यहाँ पे शेयर नहीं किया है। 121,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया, 326,000 की विनिंग हुई, 204,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ था। कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने यहाँ पे शेयर किए थे, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट से हमने यहाँ पे विनिंग की थी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। केवल हमने ही विन नहीं किया था, हमारे पेड मेंबर्स ने भी इस मैच में अच्छा विन किया था। इन्होंने 3,000 लगा करके 10,000 विन किया था, इन्होंने 15,000 लगा करके 20,000, इन्होंने 5,000 लगा करके 16,000 विन किया था, इन्होंने 6 में से 4 कॉन्टेस्ट विन किए थे, इन्होंने 7,000 विन किया था 4,000 लगा करके, इन्होंने 2,000 लगा करके कितना विन किया था, 5,400, इन्होंने 3,000 लगा करके 8,000 विन किया था, इन्होंने 4,000 लगा करके 10,000 विन किया था, इन्होंने 10,000 लगा करके 23,000 विन किया था, 13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने 26,000 लगा करके 31,000 विन किया था, मात्र 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने भी 5,000 का प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से हमने कुछ मेंबर्स की यहाँ पे विनिंग शेयर की है। हमारे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि एक एक मैच में 10 से 15 लाख, 20 लाख जैकपॉट मैचेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं ड्रीम इलेवन में आपको दिखाऊँ, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट दिखा देता हूँ, बिकॉज अपने को मेनली फोकस करना है यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है उस पर। तो मैं यहाँ पे टीम दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आपको टीम दिखाई होगी, ये हमारी लास्ट मैच की टीम थी। यहाँ पे क्या खास बात थी कि हमने इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं लिए थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भी किया, जैसे कि यहाँ पे स्मृति मंधाना नहीं है। आपको यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, मैं अंदर इसको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे स्टैट्स में कुछ प्लेयर हमने नहीं लिए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे नहीं लिया था अपनी टीम में स्मृति मंधाना को, जो कि फ्लॉप रही थी। शेफाली वर्मा को हमने अपनी टीम में नहीं लिया था, ये भी फ्लॉप रही थी। प्लस इसके अलावा रेणुका सिंह भी फ्लॉप रही थी, जिनको 79% लोगों ने लिया था। कुछ कम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन वाले प्लेयर थे जिनको हमने टीम में लिया था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक चेंज हमने किया था अपनी टीम में, जो कि मेम्बर्स को दिया गया था। हमने यहाँ पर अपनी एक्चुअल टीम में जो हमारी थी, उसमें हमने पूजा वेस्त्रेकर को नहीं लिया था, हमने इनकी जगह पर लिया हुआ था स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना हमारी टीम में थी, हमारी टीम में पूजा वेस्त्रेकर नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम अपने पेड मेंबर्स को टीम देते हैं, उस केस में हम तुरंत टीम को एडिट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देते हैं, और बहुत ही रेयरली वैसे होता है कि हम लोग सेव नहीं कर पाते अपनी टीम। लेकिन फिर भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और हमने अच्छी खासी इसमें विनिंग की। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन वाले ये दोनों प्लेयर, बहुत सारे लोगों ने इन दोनों को नहीं लिया था, तो हमको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, हमने तब भी विन किया। इनको कम लोगों ने लिया था, स्नेह राणा को हमने अपनी टीम में लिया था, ज़्यादातर लोगों ने रेणुका सिंह को अपनी टीम में लिया था। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के बलबूते पे हम लोग इतनी बड़ी विनिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ और लीग मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है पॉइंट का। पेड मेंबर्स को जो टीम दी गई थी वो मैं आपको एक तरीके से दिखा देता हूँ। ये वाली टीम दी गई थी, जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे
पूजा वेस्त्रेकर नहीं है हमारी टीम में, स्मृति मंधाना है। हमको भी इन्हीं को ही लेना था अपनी टीम में। पूजा वेस्त्रेकर हमने पहले लिया था, लेकिन जब हमने चेंज किया टीम देते समय तो हम लोग सेव नहीं कर पाए थे। यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है मेंबर्स का, आप यहाँ पे देख सकते हो मेंबर का ये पॉइंट है, ये इनकी विनिंग है। अब आ जाते हैं तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, ये मैच हो रहा है डर्बी में। इसके पहले वाला मैच इस वेन्यू पे नहीं था, लेकिन वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट उतनी मायने नहीं रखती है अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिचेज होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। और यहाँ पे खास करके स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, पेसर्स भी बहुत सारे होते हैं जिनको विकेट्स मिलते हैं, खास करके स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभी फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से, आपको पता है कि अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है हम लोग का, ऑडिटेड केसेज बहुत सारे होते हैं, सितंबर क्लोजिंग है तो उसमें हम लोग व्यस्त रहते हैं, सितंबर भर हम लोग व्यस्त रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर दिया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी की वजह से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस मैच में आपको ध्यान देना है, इंग्लैंड वुमेन एक मैच जीत करके आ रही है, इंडिया हारी है। अब यहाँ पर कौन से प्लेयर लेने हैं, इंडिया के आपको 4 से 5 प्लेयर लेने हैं और इंग्लैंड वुमेन की बात की जाए तो आपको 7 या 6 प्लेयर आपको लेकर के चलने हैं। सबसे पहले इंग्लैंड वुमेन की बात की जाए, टॉप और ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है डंकली। डंकली को देख सकते हो लास्ट मैच में कितने लोगों ने लिया था, मात्र 39% लोगों ने लिया था। हमने इनको अपनी टीम में लिया था, हमने आसानी से विन किया। वैसे ये जल्दी आउट भी हो गई थी, रेणुका सिंह ने इनको आउट कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली और हमारे लिए फॉर्चुनेट थे हम लोग कि वो नो बॉल हो गई, अदरवाइज ये आउट हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ अगर बात की जाए तो आपके लिए कैप्सी इंपॉर्टेंट है, ये टॉप 3 इनका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये तीनों ही। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए, एक्लिस्टोन डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगी, 18वां और 20वां ओवर करने आती है, भले ही इनको विकेट्स नहीं मिला था लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सराह ग्लेन ने आपको पता है 4-5 विकेट लिए थे, यहाँ देख सकते हो कितने विकेट इन्होंने लिए थे, इनको भी बहुत कम लोगों ने लिया था, कितने परसेंट सिलेक्शन था इनका आप यहाँ पर देखोगे तो इनका जो सिलेक्शन था वो लगभग 33% था। हमने इनको अपनी टीम में लिया था, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले टीम भी दिखाई, आसानी से हमने विन किया। एफ डेविस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 4 ओवर करा रही है। एल बेल की बात की जाए, डेथ ओवर में बॉलिंग कराने तो जरूर आती हैं, बट इनको 3 ओवर की बॉलिंग दी गई थी, 100 इनका काफ़ी अच्छा गया था। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए तो बी स्मिथ को भी आप ले सकते हो बिकॉज ये लेफ्ट हैंडर्स के सामने जैसे स्मृति मंधाना है या तो दीप्ति शर्मा है उनके सामने ये बॉलिंग करने आ सकती हैं। विकेट लिया था, कैचेज ले रही हैं, अच्छी जगह पे ये फील्डिंग करती हैं जहाँ पे इनको कैचेज मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। बट द 100 में ये ओपनिंग करने भी आ रही थी, यहाँ बैटिंग काफ़ी नीचे इनकी है, इसलिए अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप इनको हटा भी सकते हो। 2 ही ओवर बॉलिंग की थी तो इनकी जगह पर आप यहाँ पर एमी जोन्स के साथ जा सकते हो। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट लग रही है इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में लिया है। इंडिया वुमेन की बात की जाए, हरमनप्रीत कौर मस्ट पिक है आपके लिए, दीप्ति शर्मा आपके लिए मस्ट पिक है। इसके अलावा जो 2 प्लेयर आपको लेने हैं, एक तो आपको ऋचा घोष को लेना ही पड़ेगा, अच्छी बैटिंग की थी वैसे इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पे स्मृति मंधाना का एक ऑप्शन है, इनको आपको लेना है, या तो शेफाली वर्मा ने 1 ओवर बॉलिंग की थी, टीम ऑलरेडी हार चुकी थी इंडिया की, वहाँ पर इनको बॉलिंग दी गई थी, 11 रन दिया था। तो इन दोनों में किसी एक को या दोनों को आप ट्राई करना चाहो तो दोनों को ले सकते हो। अगर आपको दोनों को लेना है तो फिर यहाँ पे बी स्मिथ का आपको हटाना पड़ेगा और फिर आपको शेफाली वर्मा को यहाँ से लेना हो, कुछ इस तरीके की टीम बनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रेणुका सिंह का कॉमनवेल्थ गेम काफ़ी अच्छा गया था, राधा यादव लास्ट मैच खेली थी लेकिन फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गई थी, इसलिए इन्होंने 1 बॉल भी नहीं फेंकी थी। तो इनकी अगर बात की जाए तो इस मैच में हो सकता है ना खेलें। एम सिंह खेल सकती हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, अच्छी बॉलिंग करती हैं। एंड रेणुका सिंह काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रही थी बट इनको विकेट नहीं मिला, जैसे कि एक्लिस्टोन को विकेट नहीं मिला था, इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, तो वैसा ही सेम इनके साथ भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके से टीम बन करके तैयार हुई है। कैप्टन वाइस कैप्टन की जहाँ तक बात है तो कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस मेरे अकॉर्डिंग होगी यहाँ पर एक्लिस्टोन, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक्लिस्टोन है और सराह ग्लेन ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में अगर बात की जाए तो रिस्की है थोड़ा बनाना, कैप्सी को आप बना सकते हो, कभी बॉलिंग करा सकती हैं 1-2 ओवर और काफ़ी अच्छी फॉर्म में थी, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। एंड इसके अलावा इंडिया की तरफ से किसी को मत बनाना, अभी कोई भी फॉर्म में नहीं है कोई भी प्लेयर,
अगर आप हरमनप्रीत कौर को बनाते हो तो बॉलिंग का कंफर्म नहीं है, और बैटिंग से कितना रन बनाएंगी ये भी कंफर्म नहीं है, बट बैटिंग से रन जरूर बनाएंगी, इसलिए ये आपकी मस्ट पिक वाली कैटेगरी में जरूर रहेंगी। पेड मेंबरशिप की बात की जाए तो हमारा एकमात्र नंबर यही है 9140233474, इसके अलावा और कोई भी हमारा नंबर नहीं है। किसी और नंबर से मैसेज आता है या आपको कॉल आता है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ये बचने का काम आपको करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आपको हर चीज़ के लिए बताएं, बीच बीच में जिनके बारे में हमको पता लगता है कि फ्रॉड कर रहे हैं या तो टीम लीक कर रहे हैं और उसके माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं, हम लोग शेयर करते हैं। हमको इससे ना तो कोई बेनिफिट है ना तो नुकसान है, जिनको लीक करना है वो लीक करें, जिनको फ्रॉड करना है वो फ्रॉड करें, लेकिन बचने का काम आपको करना है। आपको पता है हमारा एकमात्र नंबर यही है, कम पैसे के चक्कर में किसी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि आपकी जो जमा पूंजी है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। डेमो और ट्रायल टीम हम नहीं देते हैं, एक मैच दो मैच तीन मैच की टीम नहीं मिलती है, पूरे सीरीज का ही पैकेज मिलता है। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट नंदो संकुरी साइनिंग आउट, बाय।